गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नवनीत जांगी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई टीच इंग्लिश हियर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 8। द नेम ऑफ चैप्टर इज द ग्रेट स्टोन फेस। इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए बॉय हु वांट्स टू रिजेंबल लाइक ए ग्रेट स्टोन फेस। अ ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए पार्ट ऑफ ए प्रोफेसी दैट वॉज कॉल्ड दैट ए ग्रेट मैन विल इमर्ज और वॉक ऑन अर्थ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस। ठीक है, क्लास 8th है और इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि इसमें एक बच्चा है जो ग्रेट स्टोन फेस है, उसके बारे में एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी करी गई थी। उसमें यह बताया गया था भविष्यवाणी के अंदर कि एक बहुत ही क्या होगा, एक काइंडनेस जो आदमी है वो पैदा होगा। देखो, सीन फ्रॉम डिस्टेंस hilltop the huge rock seemed to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories are come true and other don't. The great stone face is one of such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. ठीक है, अब ये बताया गया चैप्टर के बारे में। चैप्टर में क्या है कि हम कभी देखते हैं कि जब हम पहाड़ों को दूर से देखते हैं या फिर बादलों को देखते हैं या फिर कोई भी नेचुरल चीज है उसको हम दूर से देखते हैं, तो हमें वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान का चेहरा है, कभी ऐसा लगता है कोई एनिमल है ना, लगता नहीं लगता, तो कभी ऐसा लगता है कोई और शेप है। ठीक है, उसी तरह जो आज के चैप्टर में ये बताया गया, एक पहाड़ है जो कि ऐसा लगता है उसको देखने पर एक क्या है, एक इंसान का चेहरा है। आगे देखो, वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, के जब सन डूब रहा था मतलब शाम हो रही थी, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज। एक माँ और एक उसका छोटा बच्चा सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, जो उनकी कॉटेज है, झोपड़ी है, वो उनके उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे। Talking about the grand stone face, और जो great stone face है उसकी बातें कर रहे थे। They had only to lift their eyes and there it was. उनको बस अपनी आंखें उठानी होती थी और वो सामने ही होता था। क्यों होता था? क्योंकि पहाड़ है तो दूर से दिखेगा। ठीक है, अब देखो वर्ड यहाँ पर है एक had to, इसका मतलब क्या होता है? ये had to है, ये have, has to या फिर have to का past है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? has to, have to, पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आती है, इसमें आती है कंडीशन, कोई काम है वो करना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा या फिर मुझे जाना होगा। ठीक है, जब कोई काम अपन क्या करते हैं, फाउंडेशन से करते हैं ना, तब हम यूज लेते हैं हैज टू या हैड टू का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, के मतलब उन्हें बस अपनी आंखें ही उठानी होती थी, देयर इट वॉज, और वो सामने ही होता था। इट किसके लिए आया है? इट आया है उस पहाड़ के लिए, द ग्रेट स्टोन फेस, जो पहाड़ पे जो चेहरा बना हुआ था, जो पहाड़ पे तो चेहरे की आकृति दिखती थी, ये उसके लिए आया है। प्लेन टू बी सीन, इसको साफ देखा जा सकता था। 2 miles अवे, वो बहुत ज्यादा दूरी पर था, विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, और जो सनशाइन है, जो धूप है, वो क्या कर रही थी, ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, इसकी सारी विशेषताएं हैं उनको चमका रही थी। फीचर्स यानी क्या होता है, विशेषता। And what was the grand stone face? और जो grand stone face है, जो great stone face है, वो क्या था? The great stone face was a work of nature. जो great stone face है, वो क्या था? वो nature का, प्रकृति का एक काम था। Work क्या? काम। Formed on the perpendicular side of mountains. Form का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है बनाना। ठीक है, रचना करना, इसे बोलते हैं अपन फॉर्म। जो वर्ड यहाँ पर है फॉर्म, नोटबुक में आपकी जो बुक है ना, उसमें पेंसिल से लिख लो हर एक मीनिंग को।
फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, बनाना, ठीक है, रचना करना, तो फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनाना, क्रिएट करना, रचना करना, ठीक है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड, अब परपेंडिकुलर साइड कौन सी होती है, आपने सब में मैथ्स में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस होता है, इसके ऊपर लाइन आती है ना, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, बोलते हैं ना परपेंडिकुलर। तो जो माउंटेन है उसके परपेंडिकुलर बना हुआ था, मतलब जो माउंटेन का जो ये वाला पार्ट है, परपेंडिकुलर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर वो बना हुआ था। ऑफ ए माउंटेन, एक माउंटेन पे, बाय सम इमेंस रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा, इमेंस का मतलब क्या होता है, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, ठीक है, इमेंस यानी बहुत बड़ा, इमेंस यानी ह्यूज, बहुत बड़ा, वेरी बिग, ठीक है। By some immense rocks, बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा, which had been thrown together so that, ठीक है, जो कि इस तरह एक साथ रखी गई थी, किसने रखी थी, नेचर ने रखी थी, प्रकृति ने रखी थी, थ्रोन यहाँ पे वर्ड है, उसका मतलब फेंकना नहीं है, यहाँ पर क्या है, रखना है, ठीक है। When viewed at a proper distance, कि जब उनको एक proper distance से, एक नियत दूरी से देखा जाए, they resemble द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस, वो क्या करती है, वो एक जो ह्यूमन फेस है, एक इंसानी चेहरा है, उसके जो फीचर्स है, उसकी विशेषता है, वो उनको रिजेंबल करती, रिजेंबल मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना, ठीक है, रिजेंबल मतलब एक जैसा दिखना, वो उसकी तरह दिखती है, लिख लो वर्ड रिजेंबल, रिजेंबल क्या होता है, एक जैसा दिखना, इसे बोलते हैं अपन रिजेंबल, सुन ले, इसे बोलते हैं अपन रिजेंबल, एक जैसा दिखना। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर, अगर एक दर्शक जो देखने वाला है अप्रोच्ड टू नियर, बहुत ज्यादा पास चला जाता है, क्या होता है वर्ड स्पेक्टेटर, दर्शक, ठीक है, और अप्रोच का मतलब क्या होता है, पास जाना, अगर एक देखने वाला इंसान इसके बहुत ज्यादा पास चला जाता है, टू का मतलब क्या होता है, टी डबल ओ टू, ज्यादा, इसके वर्ड क्या होते हैं, टू का इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है भी, एक होता है ज्यादा, ठीक है, जब बोलते हैं ना आई एम टू वीक, ये मतलब कि मैं बहुत ज्यादा, आई एम टू टायर्ड, कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, ठीक है, ठू कहां पे आता है, ज्यादा के लिए आता है। अगर ये क्या बोलेगा कि अगर एक कोई देखने वाला इंसान इसके बहुत ज्यादा पास चला जाता है, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स, ठीक है, क्या बोला गया कि अगर कोई आदमी इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा पास जाता है तो क्या करता है वो, तो उसका जो आउटलाइन है वो उसको खो देता है, किसका आउटलाइन, वो चेहरा बना हुआ है, जब कोई चीज होती है जब उसे देखते हैं तो हम उसे कैसे पहचानते हैं, उसके जो आउटलाइन है, उसका जो भारी जो आकार है, उसको देख कर पहचान सकते चीजों को, ठीक है। अब जब आपकी बुक है, आप इसको एकदम पास ले लोगे आंखों की, तो क्या कुछ दिखेगा ना, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो वर्ड्स के जो आउटलाइन है, जो बाहर के जो इसकी लाइन है, वो आपको नहीं दिखेगी, उससे आप इसको पहचान नहीं पाओगे। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि कोई आदमी अगर पास चला जाता है तो ज्यादा, तो उसकी जो आउटलाइन है वो उसे खो देता है, ठीक है। ऑफ द इनॉर्मस फेस, जो बड़ा चेहरा है उसकी, इनॉर्मस मतलब बड़ा, इसके तीन वर्ड देखो, गिगेंटिक, इनॉर्मस और इमेंस, तीनों का मतलब एक ही है, साइज में बड़ा होना। एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक, और सिर्फ देख सकता है, क्या दे सकता है, सिर्फ जो बड़े बड़े चट्टान है उनके ढेर दे सकता है, हीप यानी क्या होता है, ढेर, मतलब ढेर, ठीक है, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक दूसरे पर रखे हुए, पाइल का मतलब क्या होता है, चीजों को
वर्टिकली अरेंज करना उसको बोलते हैं अपन पाइल, सजाना, सेट करना, ठीक है, जचाना, उसे बोलते हैं अपन पाइल। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन जब एक दूरी से इसे देखा जाता है, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, जो क्लाउड से बादल क्या करते हैं इसके चारों तरफ इकट्ठे रहते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, टुगेदर होना, एक साथ होना, ठीक है। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जो बड़ा इंसानी चेहरा है वो क्या हो रहा है, वो जिंदा हो गया है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, यह बहुत लोगों का विश्वास था, बिलीफ मतलब विश्वास, ये बहुत लोगों का विश्वास था, दैट द वैली ओव्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाई फेस, ठीक है। तो लोगों का यह विश्वास था जो वैली है, जो घाटी है, उसका जो उपजाऊपन है क्या होता है, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, इसका जो उपजाऊपन है वो किसके वजह से है, जो बिनाई फेस है, जो बहुत ही दयालु जो चेहरा है, दैट वॉज द कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, ठीक है, तो उसकी वजह से है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता रहता है, वो लगातार कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, वो लगातार इस पर अपनी नजरें बनाए हुए है, ठीक है। बिनाई का मतलब क्या होता है, दयालु। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा लड़का, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले कहा था, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपनी झोपड़ी है, उनके कॉटेज है, वो उसके दरवाजे पर बैठे थे, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, जो बड़ा चेहरा है उसकी तरफ उसको निहारते हुए, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसकी बातें करते हुए। गेज का मतलब क्या होता है, निहारना, टकटकी लगाना, ठीक है। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और उस बच्चे का नाम क्या था, उस बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। मदर सेड ही, ठीक है, उसने, लड़के ने कहा, मदर व्हाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल ऑन हिम, कि जब जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके ऊपर क्या करेगा, स्माइल करेगा क्या, नहीं। स्माइल ऑन का मतलब क्या होता है, स्माइल ऑन का मतलब होता है, कृपा दिखाना, किसी पर कृपा दिखाते हैं ना अपनी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्माइल ऑन। और स्माइल एट का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, और स्माइल ऑन का मतलब क्या होता है, कृपा दिखाना, ठीक है, कि जब वो बड़ा चेहरा है वो मुझ पर अपनी कृपा दिखाएगा, आई विश इट कुड स्पीक, और मैं यह चाहता हूँ कि दैट इट कुड स्पीक, यह बोल सके, फॉर इट लुक्स सो वेरी kindly that its voice must be indeed be present, कि यह इतना अच्छा दिखता है, इतना दयालु दिखता है, तो ऐसा होगा, its voice must indeed be pleasant, जो इसकी आवाज है वो वास्तव में कैसी होगी, बहुत ही pleasant होगी, अच्छी होगी। must word आया है, must का मतलब क्या होता है, must का मतलब होता है चाहिए, और should का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, दोनों में फर्क क्या है, must वहां पर आता है जब हमें कोई चीज क्या हो, आवश्यक हो, ऑब्लिगेटरी हो, ठीक है, जिस पे जोर दिया जाए कि हम हमें यह करना चाहिए और इस बात पर हमें जोर दिया गया है, तब क्या यूज होगा, तब मस्ट का यूज होगा, और जब किसी बात पर जोर नहीं दिया गया है तो उसे क्या आएगा, शुड का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि बात करते कि तुम्हें यहाँ जाना ही चाहिए, तो जाने पर जोर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पर मस्ट आएगा। ओके, आगे देखो, इफ आई ever see a man with such a face, क्या बोला कि अगर मैं कभी ऐसा इंसान देखता हूँ जिसका चेहरा इस जो great stone face है इसके जैसा होगा, I should love him very much, तो मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, love करूँगा। If an old prophecy should come to pass, अगर जो पुरानी prophecy है, जो भविष्यवाणी है, वो सच हो जाती है, prophecy क्या होता है, भविष्यवाणी, कम टू पास का मतलब क्या होता है, सच होना, ठीक है, कम टू पास, सच होना, कब आता है कम टू पास, कम टू पास मतलब सच होना, ठीक है। जब अपन बात जो प्रोफेसी होती है, कोई घटना होती है और उसका पहले से जिक्र किया होता है और उसके लिए हम कहते हैं कि वो चीज हो जाएगी, तो क्या वर्ड काम में आएगा, कम टू पास, ठीक है। इफ द ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर जो पुरानी भविष्यवाणी है अगर वो सच हो जाती है, आंसर्ड हिज मदर, तो
उसकी मदर ने उसको आंसर दिया, वी मे सी ए मैन शुड सी ए मैन समटाइम, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा एक इंसान देख सकते हैं विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, जिसका जो चेहरा है वो कैसा होगा, एग्जैक्टली जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा ही होगा। ठीक है, प्रोफेसी क्या थी, प्रोफेसी ये थी कि एक ऐसा इंसान पैदा होगा जिसका फेस कैसा होगा, जिसका फेस जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा होगा। और क्यों बोला गया ऐसा, क्यों उसमें यह बताया गया है कि जो जो ग्रेट स्टोन फेस वो क्या करता है, जो फर्टिल जहाँ की जो जमीन है वो क्या करता है, उसको उपजाता है, सब पे दया रखता है, सबका भला करता है। ठीक है, तो उस इसी तरीके से प्रोफेसी करी गई थी कि ऐसा इंसान भी पैदा होगा। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, अब बच्चा पूछता है कि आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हो। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बहुत जिज्ञासु रूप से यह चीज पूछी। ईगरली का मतलब क्या होता है, ललायित होना। ठीक है, किसी चीज के हम पीछे पड़ जाते हैं ना उसको बोलते हैं ईगरली। ठीक है, ललायित होकर, ईगर मतलब ललायित होना, और ईगरली ललायित होकर इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने इस बारे में इंक्वायर किया, इस बारे में जानकारी ली। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कि मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, तो इसकी माँ ने, इसकी मदर ने उसको एक कहानी बताई। दैट की हर सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, उसकी मदर ने कहानी बताई। दैट हर हर ऑन मदर हैड टोल्ड हर, कि वही स्टोरी जो उसकी माँ ने, उस मदर की, मदर ने जो स्टोरी उसे बताई थी, वही स्टोरी उस मदर ने अपने बच्चे को बताई थी। When she herself was younger than the little earlier Ernest, कि जब वो अर्नेस्ट से थोड़ी छोटी थी तब उसकी मदर ने भी उसे यह कहानी बताई थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, ये स्टोरी यह है कि किसी भविष्य के दिन में ए चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चा पैदा होगा नियर हियर, यहाँ के अपने पास वाले एरिया में, हु वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नॉबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, एंड हुज फेस इन मैनहुड शुड बियर द बियर एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल टू द ग्रेट स्टोन फेस। अब क्या बताया गया कि हु वॉज डेस्टिन्ड, कि उसकी जो डेस्टिनी है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, किस्मत है, वो क्या है, वो ऐसी है, who was destined, कि उसकी किस्मत ऐसी बनाई गई है, to become the greatest and the noblest person of his time, कि अपने समय का सबसे महान और सबसे काबिल, नोबल क्या होता है, नोबल क्या होता है, जेंटलमैन, काबिल बनना। ठीक है, तो क्या होगा कि वो अपने समय का सबसे महान, सबसे काबिल इंसान बनेगा। एंड हुज फेस, और जिसका चेहरा, हुज किसके लिए है भाई, यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ एस ई, हुज किसके लिए आया, हुज पहाड़ के लिए आया। ठीक है, हुज किसके लिए आया, पहाड़ के लिए आया। अब हुज यहाँ पर क्या बना है, हुज यहाँ पर बना है कनेक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है जिसका, तो हुज फेस, जिसका चेहरा इन मैनहुड, एक इंसान के रूप में, मैनहुड मतलब इंसान के रूप में, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिसेम्बल, जिसके पास क्या होगा, एक एग्जैक्ट रिसेम्बल होगा, हूबहू दिखेगा, टू बी द ग्रेट स्टोन फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है उसका चेहरा भी कैसा होगा, उस आदमी के जैसा होगा। बियर यानी क्या होता है, बी ई ए आर, बियर रखना, पास होना। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन बियर। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, और बहुत लोग अब भी इस पुरानी जो भविष्यवाणी उसमें विश्वास रखते थे। स्टिल यानी स्टिल, अब तक क्या होता है, स्टिल अब तक किसके लिए आता है, ये टाइम के लिए आता है। ठीक है, टाइम को दिखाते हैं ना, उसके लिए आता है कि आई एम स्टिल हियर, कि मैं अब तक यही हूं, तो इसके लिए क्या बताया गया है, स्टिल यानी अब तक। तो मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, के बहुत लोगों का अभी भी इस पुरानी जो भविष्यवाणी है उसमें विश्वास था। ठीक है, फेथ यानी क्या होता है, फेथ विश्वास। एट द ऑल इवेंट अदर लुक टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन
बहुत सारे लोग यह भी सोचते थे कि यह कुछ नहीं है, बस क्या है, एक टाइम पास की बात है। आइडल टॉक मतलब क्या होता है, टाइम पास की बात, ठीक है, ऐसी बातें जिनको करने में क्या हो, टाइम पास हो, उसे बोलते हैं अपन आइडल टॉक। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर्ड। लेकिन क्या था, सभी बातों के अलावा कि जो प्रोफेसी का, भविष्यवाणी का जो महान इंसान था वो अभी तक पैदा नहीं हुआ था। येट यानी क्या होता है, येट, YET, येट यानी अब तक, स्टिल का मतलब क्या होता है, अब तक, दोनों में फर्क क्या है, येट और स्टिल में। देखो येट किसके लिए आता है, येट आता है जब हम कोई काम होता है उसको खत्म होने की बात करते हैं ना, जब कोई काम खत्म होता है तब हम क्या कहते हैं, येट करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि वो अब तक पैदा नहीं हुआ था, मतलब उसका पैदा होने का काम अब तक नहीं हुआ था उसके। और स्टिल किसके लिए आता है, स्टिल आता है किसी भी काम के लिए आ सकता है, ठीक है, जो काम पूरा नहीं हुआ है उसके लिए येट। और अब अगर टाइम की बात करते तो क्या आता है, स्टिल आता है, ठीक है। तो क्या बोला गया इसने कि ऑल एट ऑल द इवेंट, कि बहुत सारे इवेंट हो गए, बहुत सारी घटनाएं हो गई, द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी का महान व्यक्ति हैड नॉट येट अपियर्ड, वो अब तक नहीं सामने आया है। अपीयर यानी सामने आना। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट ने चिल्लाते हुए कहा कि ओ मदर, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर क्या करते हुए, क्लैप करते हुए, तालियां बजाते हुए, आई डू होप, कि मैं ऐसा, ऐसी आशा करता हूं, दैट आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि उसे देखने के लिए क्या रहूं, जिंदा रहूं। शैल और होप, सॉरी, होप और उसमें विल में क्या फर्क है भाई, बोलते हैं ना, आई विश और होप में क्या फर्क है, विश होप, ठीक है। कभी आपने देखा होगा ऐसा बोलता है कि आई विश, बोलते हैं ना, आई विश आई वॉज देयर, और आई होप, दोनों में फर्क क्या है, देखो दोनों में फर्क क्या है। विश कहाँ आता है, विश कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं हो सकती और हम उसका चाहते हैं कि वो हो जाए, तब क्या आएगा, विश आएगा। और होप क्या है, कि कोई चीज हो सकती है और हम फिर क्या चाहते हैं, वो जल्दी से हो जाए, उसे बोलते हैं हम होप, ठीक है। तो आई डू होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं उसे देखने के लिए जिंदा रहूं। ओके आगे देखो कि हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन। तो अर्नेस्ट की माँ थी वो कैसी थी, एक अफेक्शनेट, क्या होता है अफेक्शनेट, स्नेह दिखाने वाला, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्नेही होता है ना, बहुत ज्यादा जुड़ाव दिखाने वाला होता है, उसे बोलते हैं अपन अफेक्शनेट। तो अर्नेस्ट की मदर क्या थी, एक बहुत ही स्नेही एंड थॉटफुल वुमेन, और बहुत ही विचार करने वाली मदर थी, बहुत ज्यादा सोचने वाली मदर थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल ऑफ होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय। तो इट वॉज प्रॉपर, तो यह ठीक था, शी थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, कि इट वॉज प्रॉपर, कि यह ठीक था, नॉट टू डिस्करेज, कि उसकी जो, उसका बच्चा है, उसकी जो फैंसीफुल हॉप्स है, क्या होती है फैंसीफुल, काल्पनिक जो उसकी आशाएं हैं, उनको डिस्करेज ना किया जाए, उसको कम नहीं किया जाए। सो शी सेड, इसलिए उसने कहा, टू हिम, उससे कहा, परहैप्स यू मे, कि तुम शायद तुम उस दिन तक जिंदा रहोगे, या फिर कि तुम्हारे जीवन काल में क्या वो इंसान आ जाए, ठीक है। फैंसीफुल क्या होता है, काल्पनिक, फैंसीफुल क्या होगा, काल्पनिक। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और जो अर्नेस्ट है वो कहानी जो उसकी मदर ने उसे सुनाई थी वो उसे कभी नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था तो उसे वो कहानी याद आ जाती थी। वेन एवर यानी जब कभी भी, ठीक है, वेन एवर जब कभी भी। तो क्या बोला गया इसके अंदर, इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, यह कहानी हमेशा उसके दिमाग में थी। वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी तरफ देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग
कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था, जिस झोपड़े में पैदा हुआ था, जो लकड़ी की जो कॉटेज बनी हुई जिस पैदा हुआ था, वहीं उसने अपना बचपन है वो बिताया। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, वो अपनी मदर के लिए क्या था, कर्तव्यशाली था। ड्यूटीफुल क्या होता है, कर्तव्यशाली, जो अपना काम पूरा करता है, ठीक है। तो अपनी मदर के लिए क्या था, कर्तव्यपूर्ण था। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीजों में वो उनकी हेल्प करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, और अपने जो छोटे छोटे हाथ है उनकी, अपने छोटे छोटे हाथों से वो अपनी मदर की सहायता करता था। असिस्ट यानी क्या होता है, असिस्ट यानी काम में हाथ बटाना, ठीक है। वो अपने मदर के कामों में उनकी हेल्प करता था। एंड मॉड विद हिज लविंग हार्ट, और अपना जो उसका जो प्यारा दिल है उससे वो क्या करता था, अपनी मदर की देखभाल करता था। इन दिस मैनर, और इसी ही तरीके से, मैनर यानी तरीका, मैनर्स यानी क्या होता है, मैनर्स यानी होता है व्यवहार, और मैनर यानी तरीका, दोनों में सिर्फ एस का फर्क है, ठीक है। इन दिस मैनर, और इस तरीके से, फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव पेंसिव चाइल्ड ही ग्रो अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथफुल। तो क्या हुआ, इस तरीके से फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, तो इस तरीके से एक खुश लेकिन उदासी भरे हुए बचपन से ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, वो कैसा हुआ, वो एक बहुत ही सभ्य और शांत रहने वाला युवक बन गया, ठीक है। माइल्ड यानी क्या होता है, सभ्य, ठीक है। और पेंसिव यानी पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव, उदासी से भरा हुआ, ठीक है। सोरो ने सैडनेस, उसे बोलते हैं अपन पेंसिव। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट के पास कोई भी टीचर नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके लिए एक टीचर बन गया। यहाँ पर वन किसके लिए आया है ना, बिकम वन टू हिम, वन किसके लिए आया यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, वन टीचर के लिए बात हो रही है, ठीक है। ही बिकम वन टू हिम, कि वो उसके लिए एक टीचर बन गया। हु वाज टू बियर ए रिजेंबल, आगे देखो, व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, कि जब दिन का काम खत्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, वो क्या करता था, वो इसकी तरफ घंटों भर बैठ के देखता रहता था। वुड क्या है, WOULD, वुड क्या है, विल का पास्ट है, ठीक है, विल का पास्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, कि वो उसकी तरफ बैठ के घंटों भर देखेगा पास्ट में। एंटिल ही बेगेन टू इमेजिन दैट, कि जब तक वह यह सोचना शुरू न कर दे, इमेजिन यानी सोचना, ठीक है, तब तक कि वह यह कल्पना करना शुरू न कर दे, दैट कि दोज वास्ट फीचर रिकॉग्नाइज्ड हिम, कि वो बड़े बड़े जो उसकी विशेषताएं हैं, वास्ट मतलब क्या होते हैं, वास्ट बिग, ठीक है, वास मतलब बिग, जो उसके जो चेहरे की जो बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं वो उसको पहचान ना ले, तब तक वो उस चेहरे की तरफ देखता रहता था। एंड गेव हिम स्माइल ऑफ काइंडनेस, और जब उसे ऐसा लगने लगता कि जो चेहरा है वो उसके तरफ क्या कर रहा है, उसकी तरफ दयालु रूप से मुस्कुरा रहा है, एंड इनकरेजमेंट, और इनकरेजमेंट उसको इनकरेज कर रहा है, तब तक वो उसकी तरफ देखता रहता था। क्या होता है इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट बढ़ावा देना, ठीक है। बढ़ावा देने की जो प्रोसेस होती है, बढ़ावा देने की जो विशेषता होती है, उसे बोलते हैं अपन इनकरेजमेंट, ठीक है। इनकरेज यानी बढ़ावा देना, और इनकरेजमेंट मतलब बढ़ावा देने की क्वालिटी, उसे बोलते हैं अपन इनकरेजमेंट। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए रूमर थ्रू आउट द वैले, तो इसी समय है, अबाउट दिस टाइम मतलब समय के साथ साथ, देयर वेंट ए रूमर, एक क्या फैल गई, एक रूमर फैल गई। रूमर क्या होता है, रूमर नहीं पता किसी को, रूमर का मतलब होता है झूठी अफवाह, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रूमर। तो क्या हुआ कि समय के साथ देयर वेंट ए रूमर, एक रूमर फैल गई थ्रू आउट द वैले, थ्रू आउट मतलब चारों तरफ,
जो वैली है, जो घाटी है, उसमें चारों तरफ एक अफवाह फैल गई दैट द ग्रेट मैन, कि जो महान इंसान है, हु वाज टू बियर द सैंपल टू द ग्रेट स्टोन फेस, कि जिसका चेहरा जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा होना था, हैड अपियर्ड एट लास्ट, कि अंत में वो अब सामने आ गया, कि वो पैदा हो गया है। इट सीम्स दैट, और यह लगता है कि मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत सालों पहले, ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, कि एक जवान आदमी ने क्या किया था, उस घाटी को छोड़ दिया था, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट गैदरलैंड, ठीक है, और कहां वो हो गया, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, क्या होता है सी पोर्ट, समुद्र का किनारा जो एरिया होता है ना, समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं सी पोर्ट। और ऐसा लगता है कि बहुत सालों पहले एक जवान आदमी ने जो घाटी है, वैली है, उसे छोड़ दिया है, एंड सेटल, और जाके बस गया है, सेटल यानी क्या होता है बसना, और जाके बस गया है कहाँ पर, ए डिस्टेंट सी पोर्ट, एक बहुत ज्यादा दूर समुद्री किनारे के पास, गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, और गैदर गोल्ड क्या था, गैदर गोल्ड उसका नाम था, विच किसके लिए आया है, गैदर गोल्ड के लिए आया है, ठीक है, देखो विच है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड कभी सेंटेंस के बीच में आते हैं, तब क्या बनते हैं वो, जब वो कनेक्टर बनते हैं, ठीक है, किसको दिखाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, इनसे पहले जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं अपन एडजेसेंट, इससे पहले जो वर्ड होता है ये उसकी विशेषता दिखाते हैं, तो इसमें क्या, इससे पहले गैदर गोल्ड आया है, गैदर गोल्ड किसके लिए आया है, उस इंसान के नाम के लिए, तो क्या बोला, गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड है जो उसका नाम था, हैड सेट अप, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, जिसने क्या कर लिया है, वो एक शॉपकीपर के रूप में जाकर बस गया है, एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर, और जो बिजनेस के जो काम है वो उनके अंदर क्या हो गया है, तेज हो गया है, है ना, मैटर यानी क्या होता है, मैटर यानी क्या होता है, मैटर काम, ठीक है, बिजनेस के मैटर, बिजनेस की उलझने, बिजनेस के काम, तो काम धंधे के जो बातें हैं वो उनमें क्या बन गया, तेज बन गया है, हैड बिकम सो वेरी रिच, कि वो इतना ज्यादा धनवान बन गया है, अमीर बन गया है, दैट इट वुड हैव टेकन हिम ए 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि वो इतना ज्यादा अमीर बन गया है कि उसे अपनी जो संपत्ति है उसको गिनने में 100 साल लग जाएंगे। वेल्थ क्या होता है, संपत्ति, धन, दौलत, उसको बोलते हैं अपन वेल्थ, ठीक है, इन टाइम, और समय के अंदर, ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, इन टाइम और समय के अंदर, ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, जो उसकी जो नेटिव वैली थी, जहाँ का वो निवासी था, वो उसने उस जगह के बारे में सोचा, ठीक है, नेटिव यानी क्या होता है, नेटिव, NATIV, मूल, ठीक है, ओरिजिनल जो चीज होती है ना, ओरिजिनल, लेटी, नेटिव, जहां से जो चीज निकल कर आती है उसको बोलते हैं नेटिव, जैसे हम कहां से हैं, हम कहां पे हुए हैं, हम इंडिया में हो ना, तो हमारी नेटिव कंट्री कौन सी है, इंडिया, ठीक है, तो नेटिव क्या होता है, मूल, मूल निवासी, क्या होता है मूल निवासी, नेटिव सिटीजन, ठीक है, मूल, तो क्या था उसका, तो नेटिव वैली थी, ऑफिस नेटिव वैली, तो उसने क्या सोचा, अपनी जो मूल जो वैली है उसके बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और यह तय किया, क्या तय किया, वहां वापस जाने का तय किया, एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और जो उसके समय, उसका जो टाइम बचा है, उसका जो समय बचा है जीने का, एंड एंड हिज डेज, और उसका जो समय बचा है उसको वहां पर जाके क्या करेगा, वो पूरा करेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और नेक्स्ट क्लास में आ जाना।